اللہ ربی رحمان شفیع اللہ ربی رحمان شفیع اللہ ربی رحمان شفیع اللہ ربی رحمان شفیع اللہ ربی राजौरी जिला की कोटरंका तहसील के बुद्दल दंडोट गांव में बदकिस्मती की बात यह है कि इस गांव में अभी भी कई किलोमीटर पैदल सफर तय करके यहां इंसानी आबादी तक पहुंचा जा सकता है। दरअसल आज हम इस गांव में आए हैं परवेज अहमद के घर, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एक बहादुर सिपाही थे, एक बहादुर जवान थे, जिन्होंने बीते कल श्रीनगर के बटमालू में एक आतंकी मुठभेड़ के दौरान, एक मिलिटेंट इनकाउंटर के दौरान देश के लिए अपनी जान गंवाई, देश के लिए वो शहीद हुए। आज हम उन्हीं के घर पहुंचे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे इलाका में कई ऐसे फौजी व पुलिस के जवान हैं और बाकी जो हमारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें जवान काम कर चुके हैं, जिन्होंने कि नेशनल लेवल के अवार्ड्स हासिल किए अपनी बहादुरी के लिए, लेकिन फिर भी जो ज़िला इंतज़ामिया है या फिर जो सरकारी अमला है या फिर हम जो अलग अलग सरकारें हैं उनकी तरफ से बात करें तो इस गाँव को पूरी तरह से इग्नोर रखा गया, दरकिनार कर दिया गया और इस गांव में लोगों को बुनियादी सहूलियात तक फराहम नहीं है। और आप इसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शहीद के घर पहुंचने के लिए हमें कम से कम 2 किलोमीटर पैदल सफ़र तय करना पड़ा और कई घंटों का पैदल सफ़र तय करने के बाद आज हम यहां पहुंचे हैं। परवेज़ अहमद का जो शरीर है, पार्थिव शरीर, वो यहाँ पहुँच चुका है और कुछ देर के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके लिए ज़िला इंतजामिया व पुलिस व फौज के आला ऑफिसरान यहाँ पहुँच चुके हैं। इसी बीच हमारे साथ परवेज़ अहमद के घर के एक सदस्य हैं, जिनसे हम बात करेंगे, हमें बताएंगे कि आखिर इस इलाके में क्या परेशानी है और परवेज़ अहमद की शहादत पे इन्हें कितना गर्व है। जी आप बताएं, ये जो पूरा वाकया हुआ है, इस पूरे इलाके में कैसा माहौल है और लोगों में देश के लिए कैसी भावना है? देखिए, यहाँ का काफ़ी लोगों में भावना है, गबर लोगों को इस वक्त के फ़ख्र है कि हमारा एक जवान जम्मू कश्मीर में पुलिस के अंदर रह करके उसने अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया दुश्मन के साथ मुठभेड़ में। अर्ज वह ये कि हमारे यहाँ के 45 जवान हैं जो कि यहाँ से अर्जुन वार्ड, महावीर चक्र, अशोक चक्र और परमवीर चक्र हैं, जो कि यहाँ के शहीद हो चुके हैं इससे पहले भी लड़ाई में। यह आपको पता है कि ये कितना बैकवर्ड एरिया, जहाँ कोई गाड़ी का साधन नहीं है, 2-3 किलोमीटर पैदल चल के एक शहीद के घर में आना पड़ा। काफ़ी परेशानियों से, रात के समय बारिश है, हर मुश्किल देख के हमारे यहाँ राजौरी से SSP साहब आए यहाँ पे, आर्मी के CO साहब यहाँ पहुँचे, आर्मी यहाँ लगी हुई है। आप देखो कि आर्मी कितनी कठिनाई में खड़ी है, यहाँ बाहर देखें बारिश लगी हुई है। यहाँ हमारे मीडिया के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम मीडिया का, जो कि हमारी मीडिया यहाँ आ करके हमारी पूरी बातचीत मोदी सरकार तक या राजनाथ तक पहुँचा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ के गरीब आवाम है, लेकिन इन लोगों की जगह पर आकर के पीर पंचाल एक रजमिट तैयार की जाए, ताकि इन लोगों को सहूलत मिले, पढ़े लिखे नौजवान हैं। तो ये थे हमारे साथ शहीद परवेज़ अहमद के घर के एक सदस्य, जिन्होंने बताया कि इस पूरे इलाके में किस तरह से उन्हें परेशानियाँ हैं और लेकिन फिर भी एक मकामी नौजवान, उनकी शहादत के बाद भी लोगों में फ़ख्र है कि वो देश के लिए, अपनी सरजमीन के लिए मर मिटे हैं। और हैरानी की बात यह है और जो दुख की बात है वो ये कि इस पूरे परिवार में रहने वाले 8 से 10 सदस्य जो हैं, जो इस फैमिली के मेम्बर्स हैं, वो सभी परवेज़ अहमद पे डिपेंडेंट थे। वाहिद परवेज़ अहमद इस पूरे घर में कमाने वाले थे, बाकी कोई भी इस घर में मुलाजिम नहीं है। काफ़ी दूर दराज इलाका है और आप ये कह सकते हैं कि इस घर में रोटी कमाने वाला इकलौता सदस्य आज इन सबको छोड़ के चला गया है। और लोगों की ये अपील है कि इस पूरे इलाके में बहादुर नौजवानों को फौज, पुलिस व दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेज में जगह दी जाए। बहुत गर्व है हमें कि एक बार अगर इधर की बटालियन बन जाए और हम जो नौजवान हैं, हमको बहुत ये गर्व है कि हम अपने देश की रक्षा कर सकें और अपने देश के लिए कुर्बानी दे सकें। ये मेरे मामे का लड़का है और मेरे को बहुत गर्व है इस पे कि ये अपने वतन के लिए इसने कुर्बानी दी है, शहीद हुआ है। और मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ गवर्नर साहब से कि इसको जेंट के सरकार से कि इनके जो भाई हैं, जो पढ़े लिखे बैठे हुए बेरोजगार हैं, इनको इसकी जगह लगाया जाए, इनके बच्चों को नौकरियाँ दी जाएँ और ये अपने वतन की रक्षा कर सके। यही सारा थे, इसी पहले ही बड़े सिर्फ बीत रहे हैं।
अभी लड़का पहले हुआ था भर्ती होने के बाद चैनल प्राप्त किया होता अभी छुट्टी आया था बाथरूम बनाया लेंटर डाल के गए अभी आगे घर का पूरा सिस्टम सिस्टम सारा डिपेंड इसी के ऊपर रखो ऊपर रखो ऊपर छोड़ दो